सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सिली मिस्टेक्स इन द पोकेमोन एनिमे के बारे में। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी टेल यू कि इनमें से 90% मिस्टेक्स आपने पहले कहीं और नहीं देखी होंगी। एंड ऐसी मिस्टेक्स ढूंढने में काफी एफर्ट्स लगे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबा देना, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के फाइनल सीजन के एक एपिसोड में ऐश अपने यूनोवा फ्रेंड्स को अपने चार्जार्ड की बैक स्टोरी बताता है, जिसमें ऐश चार्जार्ड वर्सेस एरोडैक्टिल वाले इंसिडेंट को भी एक्सप्लेन करता है। एंड यहीं पर हमें एक एनिमेशन एरर दिखाई देता है, जहां पर एरोडैक्टिल के हाथ के कलर को चार्जार्ड की बॉडी का कलर यानी ऑरेंज कलर का दिखा दिया गया है, जो एक्चुअली में एक एरर है। सो पोकेमोन ऑरेंज लीग के एक एपिसोड में ऐश लैप्रेस को आइस बीम अटैक यूज करने को बोलता है, बट यहाँ पर एक मिस्टेक होती है क्योंकि ऐश लैप्रेस को आइस बीम नहीं बल्कि कोल्ड बीम यूज करने को कहता है और ऐसा कोई मूव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। okay, साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। तो पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल के एक एपिसोड में बैरी और टीम रॉकेट को टीम गैलेक्टिक एक अंडरग्राउंड होल में नीचे फेंक देती है, जहां पर जाके वो सब स्टक हो जाते हैं और वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बट लॉजिकली स्पीकिंग, बैरी के पास लिटरली यहां पर एक स्टार एक्टर है जो काफी इजिली बैरी को यहां से बाहर निकाल सकता है। एंड सेम गोज फॉर जेस्सी एंड यानमेगा। यानमेगा और जेस्सी तो एक्चुअली में पास्ट में उड़ भी चुके हैं, तो अब क्यों नहीं। ये मिस्टेक एक्सेप्टेबल तो है बट काफी सिली है। सो होइन लीग में ऐश को डिफीट किया था उसके राइवल टाइसन ने। एंड इफ यू रिमेम्बर, टाइसन का एस पोकेमोन था एक मियोथ, बट एक एपिसोड में एनिमेशन एरर की वजह से फॉर सम रीजन मियोथ का 50% माउथ गायब हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो पोकेमोन सन एंड मून के एक एपिसोड में ऐश का राइवल ग्लेडियन बैटल करता है फाबा से अपने अम्ब्रियन के साथ। फाबा के पास एक अलग अजाम होता है जिसे वो साइकिक अटैक यूज करने को कहता है अम्ब्रियन पर। एंड गेस व्हाट, अम्ब्रियन को उस साइकिक अटैक से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। बट फैक्चुअली स्पीकिंग, अम्ब्रियन जैसे डार्क टाइप पोकेमोन पर अलग अजाम के साइकिक टाइप मूव का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड हेंस ये भी एक मिस्टेक थी। तो हमें पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट द मूवी विक्टिनी एंड जेकोरॉम में भी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखने को मिलती है, जहां पर इस सीन में ऐश के लिटरली दो माउथ एनिमेट कर दिए गए हैं और विक्टिनी से बात करते टाइम ऐश की लिप्स मूव तक नहीं करती, तो ये एक काफ़ी बड़ा एनिमेशन एरर है जिसकी वजह से लिटरली हमें ऐश के पास दो माउथ दिखा दिए गए हैं। पोकेमोन के पहले एपिसोड से ही हमें ऐश के चिम के चीक्स पर एक जेड सिंबल दिखा है, बट आज तक सिर्फ ऐसा एक एपिसोड रहा है जिसमें एनिमेटर्स ऐश का जेड सिंबल एनिमेट करना ही भूल गए, जहां पर इस सीन में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ऐश के चीक्स पर कोई भी जेड सिंबल है ही नहीं, जो एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल की इस एपिसोड में हमें काफी बेसिक सी मिस्टेक देखने को मिलती है, जहां पर कुछ गोल बैट्स के स्लज बॉम्ब से स्कारमोरी फेंट हो जाती हैं। बट इम्यूनिटी के रूल्स के हिसाब से स्टील टाइप पोकेमोन्स पर पॉइजन टाइप मूव्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड बिल्कुल इसी तरह ब्रॉक का क्रोगंग भी एक बार एक सिजोर को पॉइजन जैब से डिफीट कर चुका है, जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होना चाहिए। पोकेमोन इंडिगो लीग पोकेमोन का पहला सीजन था, जिसकी वजह से हमें इसी सीजन में सबसे ज्यादा बेसिक मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, इस सीन में हमें ऐश की कैप का कलर गलत दिखाया गया है, जहाँ पे रेड और व्हाइट कलर स्वैप कर दिए गए हैं। एंड ऐसे ही एक एरर दिख जाएगा ऐश वर्सेस सामुराई के बैटल में, जिसमें ऐश के हाथों से उसके ग्लव्स ही गायब हो चुके हैं। बट बीइंग द फर्स्ट सीजन, हम लोग इन्हें ऐसे एरर्स के लिए माफ कर सकते हैं।
सो इस मिस्टेक को आप लोग ने काफी चैनल्स पे देखा होगा जहाँ पर गैरी कुछ ऐसे बैजेस शो करता है जिनके जिम्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ऐसा सेम एरर काफी रिसेंटली भी हो चुका है। सो पोकेमोन XYZ के एक एपिसोड में एश और सॉयर एक दूसरे को अपने बैजेस दिखाते हैं। अब जहां एक तरफ एश के बैजेस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वहीं पर सॉयर के कुछ बैजेस ऐसे जिम्स के होते हैं जिन्हें हमने कालोस में पहले कभी नहीं देखा, जो मेरे ओपिनियन में एक काफी बड़ी मिस्टेक है। एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप द वीडियो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पांच वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस दब जाना चाहिए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चैनल से अपडेटेड रहने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, और गेमिंग पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए मेरे ब्लेज प्लेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये रहा आज का पोके क्विज। सबसे पहले आंसर करने वाले को मैं पिन करूंगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।